मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था, हम लोगों को प्रूफ करना था टाइम रिवर्सल टेस्ट में अगर हम लोग टाइम को रिवर्स कर देते हैं, दिस विल बी P01, P10 शुड बी इक्वल टू 1। अगर तो ये 1 होता था इस तो TRT सेटिस्फाई करता था। जो मेथड इसको इक्वल टू 1 प्रूफ नहीं कर पाता था वो TRT को सेटिस्फाई नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही हम लोग आज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करने वाले हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट में हम लोगों ने टाइम को रिवर्स किया था, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम लोग फैक्टर्स को रिवर्स करेंगे। हमारे पास इंडेक्स नंबर में फैक्टर्स हैं, प्राइस है एंड क्वांटिटी है। इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है समेशन P1Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0Q0। अच्छा, पहले हम लोग टाइम को रिवर्स कर रहे थे, अभी हम लोग फैक्टर्स को रिवर्स करेंगे। जहां जहां पे हमारे पास P होगा वहां वहां पे हम लोग Q कर देंगे, जहां पे Q होगा वहां पे P कर देंगे। चलिए मेथड्स लगा के देखते हैं। सबसे पहले लास्ट पे इसको अप्लाई करके देखते हैं, लास्ट पे इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। देखिए, अभी लास्ट पे का P01 का फॉर्मूला हमारे पास था, लास्ट पे का P01 का इंटू हम लोग उसको Q01 कर देंगे तो देखेंगे ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो लास्ट पे का P01 का फॉर्मूला हमारे पास था समेशन ऑफ P1Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0Q0। अभी हम लोगों को फैक्टर्स रिवर्स करने हैं। फैक्टर्स रिवर्स करके हम लोग देखेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। देखिए, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, इसके फैक्टर्स चेंज कर देंगे। पी को हम लोग प्राइस को क्वांटिटी में चेंज कर देंगे एंड क्वांटिटी को प्राइस में चेंज कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, इट विल बी समीशन पी की जगह पे क्यू, क्यू की जगह पे पी। टाइम हम लोगों को नहीं चेंज करना है, हम लोग फैक्टर रिवर्सल टेस्ट चेक कर रहे हैं तो हम लोगों को टाइम नहीं चेंज करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा Q1 P0 अपॉन Q0 P0। देखिए ये हम ये जो सारा है अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एंड इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू समीशन P1Q1 आ रहा है डिवाइड बाय समीशन P0Q0, नॉट इक्वल टू आ रहा है। इट मीन्स जो लास्ट प्रे है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। अभी हम लोग देखेंगे पास्ट इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। पास्ट मेथड में हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या था, इट वॉज P01 इंटू Q01। फॉर्मूला हमारे पास था पास्ट का समीशन ऑफ P1Q1, क्योंकि हम लोगों ने बात करी थी जो लास्ट प्रे है वो बेस ईयर क्वांटिटीज को यूज करता है, वेयर एज जो पास्ट है वो करंट ईयर क्वांटिटीज को यूज करता है। हमारे पास फॉर्मूला है समीशन ऑफ P1Q1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0Q1। अभी हम लोग इसके फैक्टर्स को रिवर्स करेंगे, देखेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अभी हम लोगों को P की जगह पे Q करना है एंड Q की जगह पे P करना है। तो देखिए ये हम लोगों के पास हो जाएगा समीशन Q1P1 डिवाइडेड बाय समीशन Q0P1। तो ये भी नॉट इक्वल टू आ रहा है समीशन ऑफ, देखिए ये P1Q1 का स्क्वायर बना रहा है, ये P1Q1 का स्क्वायर बना रहा है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो नॉट इक्वल टू आएगा ना समीशन ऑफ P1Q1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0Q0। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। इट मीन्स जो पास्ट है वो भी FRT को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ना तो पास्ट ना ही लास्ट ब्रेक। अच्छा, अभी फिशर पे हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे। फिशर का मेथड हम लोगों के पास क्या है, फिशर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट प्रे एंड पास्चेज मेथड। फिशर ज्योमेट्रिक मीन है लास्ट प्रे का एंड पास्चे का, जिसका मतलब है इसको अगर हम लोग अगर
एंड पास्ट ईयर को मल्टीप्लाई कर दें एंड उनपे अंडर रूट लगा दें, उनको छत प्रोवाइड कर दें, तो हम लोगों के पास फिशर का मेथड आ जाएगा, राइट। अच्छा अभी इसका प्रॉपर मेथड लगाते हैं हम लोग, ये क्या आएगा हमारे पास, P01N2Q01 का, ये P01 और Q01 हम लोग देख रहे हैं, P01 इंटू Q01 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोगों को क्या करना है, पहले लैस्प्रे का लगाना है। लैस्प्रे का क्या है, समीशन P1Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0Q0। अच्छा अभी मैं इसका कलर चेंज करके इसके फैक्टर साथ ही साथ रिवर्स भी करती हूँ। देखिए अभी रेड में हम इसके फैक्टर्स रिवर्स कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा Q1P0। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट लगा रहे हैं ना, तो टाइम को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, फैक्टर्स को चेंज करेंगे, इट विल बी Q0P0। अच्छा अभी हम लोग पास्ट का लगाते हैं। हम लोगों को पता है कि जो फिशर का मेथड है वो लास्ट इनटू पास्ट और उसका अंडर रूट होता है, तो हमने लास्ट का लगा लिया, अभी हम पास्ट का लगा के देखते हैं। अच्छा पास्ट का लगाइए, इट विल बी P1Q1 राइट, P0Q1। तो ये तो अभी आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, तो ये तो फॉर्मूला अभी आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। अच्छा अभी हम इसको रेड कलर से इसको हम रिवर्स करते हैं, तो क्या होगा ये, इट विल बी समीशन Q1P1 डिवाइडेड बाय समीशन Q0P1 राइट। फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं ना, तो इट विल बी Q0P1। अच्छा अभी इसकी कैंसिलेशन देखते हैं कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो इसके लिए भी मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लैक कलर ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा अभी हम लोगों के पास यहाँ पे है P1Q0, देखिए ये P1Q0 है, देखिए अभी कहाँ पे P1Q0 और पड़ा है, ये पड़ा, ये भी P1Q0 का मल्टीप्लिकेशन है, ये न्यूमरेटर में पड़ा है, ये डिनोमिनेटर में पड़ा है, ठीक है। तो अभी अभी ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अच्छा अभी और देखिए क्या कैंसिल होता है, ये हमारे पास Q1P0 पड़ा है, और कहाँ पड़ा है Q1P0, ये देखिए ये Q1P0 पड़ा है ना, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा अब हम लोगों के पास क्या बचता है, अभी हम लोगों के पास एक तो ये बचता है समीशन ऑफ P1Q1, एक ये बचता है समीशन ऑफ Q1P1, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या बचता है, समीशन ऑफ P0Q0। अच्छा यहाँ पे भी समीशन ऑफ Q0P0, तो ये दोनों की एक ही बात है। अब ये भी दोनों स्क्वायर्स हैं, ये भी दोनों स्क्वायर्स हैं। अच्छा स्क्वायर्स होंगे तो इनका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ P1Q1 और डिनोमिनेटर में समीशन ऑफ P0Q0। तो यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था हम लोगों को कि अगर P01 × Q01 इसके इक्वल आ जाता है, जिस मेथड से भी इसके इक्वल आएगा, जिस मेथड से भी वो मेथड सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि लैस्प्रे एंड पास्चे ना तो ये TRT को सेटिस्फाई करते हैं, राइट, ना ही ये लोग FRT को सेटिस्फाई करते हैं। दोनों टेस्ट को TRT एंड FRT टेस्ट को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को ही फिशर सेटिस्फाई करता है, इसीलिए फिशर के इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर बोला गया है फिशर। तो ये था आज का टॉपिक, बहुत ज्यादा इजी था एंड मजेदार भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इससे 18 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, रिवाइज कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा अगर आप लोगों ने टाइम रिवर्सल टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू, आई होप इसको आप रिवाइज कर लेंगे। चलिए अभी आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।